हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज सैटरडे है। आज सैटरडे मैं अभी उठ के तो टाइम हुआ, कंपनी का काम था कर चुका हूँ, तो फिलहाल अभी जो टाइम है वो 1:52 का है। तो आज हमें जाना था मार्केट, क्योंकि कल बकरा ईद है, तो आज हम जाएंगे मार्केट कपड़ा लेने के लिए। दीदी का कपड़ा लेना है, मदीहा दीदी का। मैं अभी रेडी होता हूँ, रेडी होके फटाफट हम चलते हैं मार्केट को कपड़ा लेने के लिए। ये देखो अज्जू आया है तो बॉक्स लेके, कुरियर के जो बॉक्स है कंपनी से आए हुए, तो फिलहाल इनको करते हैं अनबॉक्स। पहले इसमें देखता हूँ क्या क्या पार्ट कंपनी ने भेजा है, तो उसके बाद फिर अपन रेडी होके चलते हैं मार्केट। पाइपलाइन सकीना का में एक पाइपलाइन मार्केट है, कपड़े का मार्केट है, मतलब सभी तरह के वैरायटी वहाँ पे रहते हैं, मतलब कपड़े, फल फ्रूट, एवरीथिंग वहाँ पे है। तो आज वहाँ चलते हैं जाके, दीदी को एक जोड़ कपड़ा लेना है कल के लिए, कल ईद है, बकरा ईद। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं मार्केट। मार्केट बारिश की वजह से हम अभी फ़िलहाल बाहर की रिक्शा करेंगे, तो रिक्शा से जाएंगे, बाइक लूँगा नहीं क्योंकि बारिश हो सकती है बीच में, तो इसके लिए अभी फिलहाल रिक्शे से चलते हैं, रिक्शे से जाएंगे। ये दो कल ईद के लिए बकरे लाए हुए हैं कुछ, ये बच्चे लोग घूम रहे हैं चराने के लिए। एक दो तीन चार बकरे हैं बच्चों के लिए। बहुत खुशी का दिन था बकरा ईद में, क्योंकि बकरे को लेके घूमते ही घूमते चराते। तो हम आए हैं नीचे, ये मेरी दीदी है, ये मेरी बेटी है मदीहा, और ये निजाम भी है साथ में। ये देखो हंस रही है, ले ले। तो इसको भी मार्केट से कपड़ा लेने जाने का है, तो वेट कर रहे हैं रिक्शा का। तो रिक्शा आएगी तो फिर हम चलते हैं। ए निजाम पंड रही बैठा इधर। पाइपलाइन मार्केट, साकी नाका का पाइपलाइन मार्केट है। कपड़े, फूड, शूज सबका मार्केट है ये, ज़्यादातर कपड़े का ही मार्केट है। ये है साकी नाका की तरफ और ये आगे जाता है, ये जाता है पाइपलाइन आगे अंदर। तो ये है हमारा, ये हंगामा शॉप करके। ये भी दो कलर है, ये राइट और लेफ्ट, ये दोनों ग्रीन ही हैं, और ये है कौन सा है, ऑरेंज है, ऑरेंज है, कौन सा लेंगे। तो एक शॉप पे हम आए हैं, ये पाइपलाइन की। चार डिज़ाइन निकाला हुआ है, इसमें से सेलेक्ट करने वाले भी। तो ये एक कलर है, यहाँ पे एक कलर है, एक तो पसंद तो वो कलर आ रहा है, ठीक है ये ले लेते, ठीक है इसको पैक कर दो भाई। तो ये हमारा ये पाइपलाइन में हंगामा करके शॉप है, ये भाई की दुकान है यहाँ पे, तो सब वैरायटी के कपड़े हैं। इस साइड पूरा जेंट्स बच्चे लोगों का है,
ये बच्चों का है ना, ये बच्चों का भी है, बड़ों का थोड़ा है बट ज़्यादातर ये बच्चों का। चलो पेमेंट हो चुका है, चल आ जाओ। तो ये है साकिनाका का पाइपलाइन एरिया, यहाँ पे पूरा शॉपिंग मॉल जैसे सेंटर है, शॉपिंग सेंटर। तो दुकान है बहुत सारे, कपड़े की दुकान है, सब्ज़ी मार्केट भी है, ये बहुत कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे डिस्पेंसरी भी है, मेडिकल्स है और किराना शॉप है, बहुत सारे शॉप्स हैं। तो फ़िलहाल हम एक लिए हैं और एक देख रहे हैं दीदी को। तो ये दीदी का फ़राक ले चुके हैं मदीहा को, अभी स्कर्ट लेना है, स्कर्ट देखते हैं। तो अभी एक दूसरे शॉप से लेगिंग्स ले ली है दीदी को, अभी चलते हैं एक टॉय की शॉप पे, वहाँ पे एक टॉय लेना है दीदी को, देखते हैं। है टॉय की शॉप, दीदी को भी ले रहे हैं एक छोटा टॉय और एक ये जो बाहर लगा हुआ है गेंद। तो और क्या लेना है सोच रही हूँ। ये एक टॉय ले रहे दीदी को। तो ये पाइपलाइन में दुकान है गणेश नावल करके, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं टॉय। तो ये बच्चों के टॉय के लिए है शॉप, यहाँ पे ऐसे दो शॉप है, एक बाजू में भी है। तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं फिलहाल अभी। क्या लिया, एक गेंद और फ्रूट बास्केट, रबड़ के फ्रूट हैं इसके अंदर। अच्छा, ये आवाज आने वाले और एक ये गेंद छोटा दीदी को खेलने, तो अभी लेके चलते हैं। चलिए, तो ये 120 का है। ये बास्केट कितने का है बोलो? तो ये 180 का है और ये गेंद कितने का? ये 30 rupees का। तो अभी हाँ ये लेके निकलते, चलिए। सामान ले चुके दीदी के लिए, कपड़े और टॉयज खेलने के लिए। तो ये है नागौरी का होटल, ये दूध के लिए दही के लिए फेमस है। तो अभी हम यहाँ से हाफ हाफ लस्सी लेके पी के निकलते हैं। घर पे तो फटाफट ये दो बॉक्स जो आए हैं इसको भी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट भेजा हुआ है तो फटाफट चेक करता हूँ। मुझे 2-2.5 घंटा लगा जाके आने में, क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं थी और बारिश भी नहीं था, तो इसके लिए मैं जल्दी आया। तो अभी ये फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, देखते हैं इसके अंदर कंपनी ने हमें जो 2-3 प्रोडक्ट भेजा हुआ वो देख लेते हैं क्या क्या पार्ट भेजा हुआ है। एक
तो इसमें मुझे एक i3 का बोर्ड मिला हुआ है और i5 का, दो मदरबोर्ड मिले हुए हैं। ये रहे दोनों बोर्ड, ठीक है, इसको रख देता हूँ नीचे। इसमें एक देख लेते क्या पार्ट रिसीव हुआ है। एक्चुअली मैं मार्केट जाने से पहले खोलने वाला था, मैं सोचा जा के आता हूँ पहले मार्केट, क्योंकि मार्केट शाम में भीड़ ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कल ईद है, बकरा ईद, तो लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है मार्केट में। इसके लिए इसको मैंने ओपन नहीं किया, तो अभी अपन कर रहे हैं। इसमें भी एक बॉडी आया हुआ है, मदरबोर्ड, देखिए ये भी मदरबोर्ड है। तो ये तीन मदरबोर्ड मुझे रिसीव हैं कंपनी की तरफ से, तो अभी इसको मंडे या ट्यूसडे को हम कॉल अटेंड करेंगे। तो ये था अनबॉक्सिंग। तो पंडर लोग, ये था मेरा छोटा सा अनबॉक्सिंग और मार्केट का ब्लॉग, क्योंकि मार्केट का भी व्यू मुझे लेना था इस ब्लॉग के अंदर। प्रोडक्ट भी मैंने दीदी के लिए परचेस किया, मेरी मदीहा दीदी के लिए, मदीहा दीदी मैं इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर दीदी ही बोलने अच्छा लगता है। कुछ कल के लिए उसको एक जोड़ मैं ड्रेस भी लिया हूँ, बेबी टॉयस वो भी लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं दोस्तों कल ईद के मौके पर। तो मिलते हैं कल का एक छोटा सा और ब्लॉग मैं बनाऊँगा, कल बकरा ईद है तो उसका भी छोटा सा ब्लॉग हम लोग बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।